हेलो बच्चों, तो मैथ्स के पेपर में कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं जिसे देखकर बच्चे कहते हैं कि सर, इस टाइप का क्वेश्चन का मैंने प्रिपरेशन ही नहीं किया है। ठीक है ना? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ये शॉर्ट्स का कुछ क्वेश्चन, यानी करनी का कुछ क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है आपको। ये कुछ एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन का लिया है ना, 1 2 3 4 इस टाइप का ये क्वेश्चन आपको दिखाई दिया होगा। यानी कि कोई नंबर रूट के अंदर बार बार रिपीट होता है, या तो वह प्लस में होता है, या तो वह माइनस में होता है, या फिर गुणे के रूप में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है ना? तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आज के बाद इस क्वेश्चन को पूरे एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है ना? चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला टाइप जो क्वेश्चन है ये देखिएगा ध्यान से। एक क्वेश्चन है अंडर रूट छ प्लस अंडर रूट छ प्लस अंडर रूट छ प्लस अंडर रूट छ प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, अनंत तक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बहुत सिंपल है बच्चों, क्या करेंगे देखिए, सारे रूट्स के अंदर एक ही संख्या वह छ है, इस छ को जो है बाहर कर लेंगे। ठीक है ना? अलग रफ पेज में। अब आप ध्यान से सुनना एकदम, इस छ को दो ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे, इस छ को दो ऐसा गुणनखंड में बांटेंगे जिसका डिफरेंस, जिसका अंतर एक होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे जिसका अंतर जो है डिफरेंस एक होना चाहिए। जैसे देखिए, छ को आप लिख सकते हैं 2 × 3, 2 × 3 = 6। और देखिए 2 और 3 में कितना का डिफरेंट है, तो इसका अंतर जो है वे दोनों का अंतर एक है। 2 और 3 में एक का डिफरेंस है, एक का अंतर है। तो आपको ऐसे ही कर लेना है, ऐसा नहीं कि आप कह सकते हैं सर 6 को हम 6 × 1 लिख सकते हैं, लेकिन देखिए 6 और 1 में कितना का डिफरेंट है, 5 का डिफरेंट है, इसीलिए ऐसा करना नहीं है। कितना का डिफरेंट होना चाहिए बच्चों, 1 का डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए यहां पे, तो अब आपको ध्यान देना है कि हमने ऐसा तो ब्रेक कर लिए, तो सर इसमें आंसर क्या होगा? तो देखिए ध्यान से, ये साइन जो है ना प्लस प्लस प्लस, इसका बहुत बड़ा रोल है। ध्यान से देखना, साइन पर ध्यान देना, ये प्लस प्लस है तो 2 और 3 में जो बड़ा नंबर है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 और 3 में बड़ा क्या है, 3 है। ठीक है ना? इसीलिए इसका आंसर हो गया ये वाले क्वेश्चन का 3 हो गया। कितना सिंपल था, समझ में आया कि नहीं बच्चों? नहीं? अब ध्यान से देखिए, यही अगर 6 माइनस माइनस रहता, ध्यान से सुनेगा कि अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6, ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाता 2। यानी जब माइनस वाला रहेगा तो छोटा वाला हो जाएगा, अब प्लस वाला रहेगा तो बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक है ना? और आगे एग्जांपल कराते जिससे आपको पूरा कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाएगा, मार्क्स में मजा आ जाएगा इस आज की इस क्लास में। देखिए सेकंड क्वेश्चन, अब 12 अंडर रूट 12 प्लस प्लस लगा हुआ है, क्या करेंगे 12 को 2 गुणनखंड में ब्रेक करो, तोड़ो, जिसका डिफरेंट 1 होना चाहिए। तो कहेंगे सर 4 × 3, 4 × 3 = 12। अब देखिए इसमें ध्यान से प्लस प्लस है, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे 12 है, ये प्लस प्लस है, तो देखिए प्लस प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया बच्चों 4। कितना ईजी है, बस सेकेंडो में बन रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते। अब देखिए इसमें माइनस है, क्या है, माइनस है। अब चलिए, तो नंबर कितना है, 56। अब इसको फिर से 2 गुणनखंड में ब्रेक करो जिसका डिफरेंट 1 होना चाहिए, तो 7 × 8, 7 × 8 = 56, 1 का डिफरेंट आ रहा है। देखिए दोनों में कितना का डिफरेंट है, 1 का डिफरेंट है। तो अब देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, माइनस, ध्यान दीजिएगा माइनस, और साथ ही इनफाइनाइट तक होना चाहिए। अगर इनफाइनाइट तक नहीं है तो फिर इसका आंसर कुछ और होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो इसमें माइनस लगा हुआ है तो छोटा वाला नंबर हो जाएगा, प्लस रहेगा तो बड़ा वाला, और माइनस है तो छोटा वाला। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रही है? 7। देखिए कितना जल्दी हो रहा है, अब आपको बिल्कुल क्वेश्चन करने में समय नहीं लगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है, ठीक है ना, अंडर रूट माइनस 2, अंडर रूट माइनस 2। अब सर 2 को कैसे गुणनखंड करेंगे, तो 2 को हम लिख सकते हैं 1 × 2, क्योंकि 1 × 2 में फिर डिफरेंस कितना का है, 1 का है अंतर। ठीक है ना? तो माइनस वाला है इसीलिए छोटा वाला नंबर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया,
एक हो गया, ठीक है ना। अब तो नहीं छोड़ेंगे ना, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे। अब देखना ध्यान से कि क्वेश्चन नंबर 5, इसको ध्यान से देखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां पे समझने वाली बात है, ठीक है ना। ये देखिए 5 है ना। अब 5 को हम आपको बोले कि ब्रेक करो, ऐसे दो नंबर में गुणनखंड में इसको डिवाइड बांटो जिसका बीच का डिफरेंस एक होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर ये कैसे होगा, क्योंकि 5 को हम लिख सकते हैं 1 × 5, ठीक है ना, इससे ज्यादा तो आप लिख ही नहीं सकते हैं। लेकिन क्या 1 × 5 में 1 का डिफरेंस है? नहीं, इसमें 4 का डिफरेंस है। तो अब क्या करेंगे, अब देखें यहां पे, क्योंकि आपको क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिलेगा जो दो गुणनखंड में टूटेगा ही नहीं जिसका बीच का डिफरेंस 1 है। तो क्या ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसका भी करना बहुत ईजी है। लेकिन इसमें ध्यान देना कि प्लस है कि माइनस है, पर फिर से बोला हूं प्लस है कि माइनस है। यहां पर देखिए माइनस है, तो माइनस रहेगा ना, और जिसका दो गुणनखंड में आप नहीं तोड़ पाएंगे जिसका बीच का डिफरेंस 1 हो और माइनस है, तो उससे नीचे आते जाइए और ढूंढिए कि कौन ऐसा नंबर है जिसको आप ब्रेक कर सकते हैं 1 के डिफरेंस में, दो गुणनखंड में तोड़ सकते हैं। तो देखिए 5 के नीचे माइनस रहेगा तो नीचे आना है, और प्लस रहेगा तो ऊपर जाना है। तो 5 के नीचे 4, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, या फिर लिख सकते 1 × 4। तो देखिए इसमें भी 1 का डिफरेंस नहीं आ रहा है, इसमें भी 1 का डिफरेंस नहीं आ रहा है, 3 पे आ जाइए। तो 3 को लिखेंगे 1 × 3, इसका भी ब्रेक नहीं हो रहा। उसके बाद क्या आ गया 2, तो 2 को हो सकता है, क्योंकि 2 को लिख देंगे 1 × 2। ध्यान से देखना यहां पर क्या करना है, इसके नीचे आ जाना है, माइनस रहेगा तो नीचे। तो 4 को नहीं तोड़ पाए, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा, 3 को नहीं तोड़ पाए, लेकिन 2 को तोड़ पाए हैं। तो 2 को तोड़ेंगे तो 1 × 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 के बीच में। ध्यान से देखना, एक ऑप्शन आपको ऐसा भी रहेगा 1 एवं 2 के बीच में, यही आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, 1 एवं 2 के बीच, ठीक है ना। ये समझ में आया कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर आपका कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाएगा। चलिए अब देखिए ध्यान से, यहां पे 7 है, तो 7 भी ऐसा नंबर है जिसका गुणनखंड आप दो ऐसे नंबर में नहीं कर सकते जिसका अंतर डिफरेंस 1 का हो, ठीक है ना। इसको भी वही तरीका अपनाएंगे, लेकिन इसमें क्या है, प्लस है, तो मैंने क्या बोला था, प्लस वाला में ऊपर की ओर नंबर पे जाना है। तो 7 के बाद क्या आता है, 8, तो 8 को भी आप ब्रेक नहीं कर सकते 1 के डिफरेंस में। 9 को भी नहीं कर सकते, 10 को भी नहीं कर सकते, 11 को भी नहीं कर सकते हैं, 12 को कर सकते हैं। देखिए 7 के बाद ना 8 को कर पाए, ना 9 को, ना 10 को, ना 11 को, ये सब का नहीं हो पाएगा। 12 का हो जाएगा 3 × 4, 4 × 3 = 12, है ना। देखिए इसका डिफरेंट कितना है, इसका डिफरेंट जो आ रहा है वो आ रहा है 1, ठीक है ना। इसके नीचे जो है 7 के बाद और 12 के नीचे में कोई नंबर को आप 1 के डिफरेंस में ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 एवं 4 के बीच में। वही कॉन्सेप्ट है, प्लस रहेगा तो ऊपर जाना है और माइनस रहेगा तो नीचे वाला में आना है। इसका आंसर हो जाएगा 3 एवं 4 के बीच में, ठीक है ना। तो अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, वह 1 के डिफरेंस में गुणनखंड हो या नहीं हो, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। मुझे पूरा विश्वास हो गया आप पर, पूरा उम्मीद हो गया जो इस पर वीडियो देख रहे हैं वो क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है। अब देखिए 2 क्वेश्चन नीचे दिखाई देता होगा, इसमें प्लस और माइनस नहीं, इसमें गुना है। क्या है, गुना है। एक ही नंबर रूट के अंदर बार बार रिपीट होता है और अनंत तक जाता हो, इनफाइनाइट तक। तो इसको करना बहुत सिंपल है, इसका आंसर तो लिख ही देना है क्वेश्चन देख के, जो नंबर है ना वही आंसर हो गया, यानी इसका आंसर 3 हो जाएगा। जब गुना में कोई नंबर बार बार रिपीट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है तो उसका आंसर जो है वही नंबर हो जाएगा। तो इसका आंसर 3 हो गया और इसका 11 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर ये ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।